और अभी हम लोग मीरगंज नगर पंचायत के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो है ब्रहकोना में है, उसी जगह पे है। और यहाँ का लोगों का कहना और यहाँ के शिक्षक जो है उनका कहना है कि यहाँ पे जो है चोरी हुआ है, और किनके द्वारा चोरी हुआ अभी कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही ये लोग अभी आवेदन बना के थाना में दिए हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों को घटना की जानकारी कैसे मिली। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मवीर, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय ब्रहकोना। आप, ये चोरी जो हुआ आपको जानकारी कैसे मिला? चोरी रसोईया सुबह में फोन किया कि गेट का ताला तोड़ दिया है, मेन गेट का जी, और किचन का और ऑफिस का, तीन ताला तोड़ के ये जो है चावल और बर्तन, मतलब कि मध्यान्ह भोजन का बर्तन और सिलेंडर चोरी कर लिया गया है। और आप जब आए यहाँ पे तो ताला टूटा पड़ा था? हम जब आए तो एक ताला फील्ड में फेंका हुआ था, गेट वाला ताला भी गेट के आगे फेंका हुआ था, एक ताला नहीं टूटा ऑफिस का, तो उसके अथी जो है कब्जा ही तोड़ दिया गया। उसके बाद हम जब रूम घुसे तो देखे चावल सब और बर्तन सब मेरा गायब, राशन और बर्तन की चोरी हो चुकी है। राशन तो कितने लगभग कितना का क्षति पहुंचा होगा, क्या अनुमान क्या लग रहा है? अनुमान वही टोटल बर्तन ले गया जो विद्यालय में था, मध्यान्ह भोजन में जो रहता है, और चावल ले गया। तो आइए ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं। इधर क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अनंत कुमार यादव है। आपको घटना की जानकारी कैसे मिली कि चोरी हो गया, कैसे जाने आप? हम जब घर से निकले तो चौक है मेरे गांव में जी। उस चौक पर आए तो रसोईया जो था यहाँ का जी, वही हमको कहा कि स्कूल में चोरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग आए यहाँ देखने के लिए, तो सही में देखे कि यहाँ ऐसे ऐसे चोरी हो गया है। तो चलिए, इन्होंने भी देखा कि यहाँ आके कि चोरी हुआ, जब इनको घटना की जानकारी मिली और यहाँ के जो रसोईया है जो खाना बनाने आते हैं शायद उनके द्वारा ही बताया गया इन लोगों को कि यहाँ पे चोरी हुआ है, तब इन लोगों ये लोग यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे जब पहुँच के ये लोग देखते हैं तो सही मायने में यहाँ पे चोरी हो गया था। आप भी यहीं के हैं क्या? हाँ, हम तो अभी आए हैं, सुने जो है स्कूल में चोरी हुआ है। तो मतलब क्या लग रहा है कितना का क्षति पहुंचा होगा? यही बात तो हमने बता सके, अभी जस्ट तो हम अभी किए हैं, कुछ अनुमान नहीं है। नहीं, कुछ अनुमान नहीं है इनके पास। इधर भी चाचा जी बैठे हैं, ये बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? सुरेंद्र यादव। घर यही है ब्रहकोना? ब्रहकोना। कैसे जानकारी मिला आपको कि आपके विद्यालय में, आपके गांव के विद्यालय में चोरी हो गया है? लोग सबसे जानकारी हुआ, लोगों से जानकारी मिला। और यहाँ पहुँचे तो सही मायने में क्या लग रहा था? लोग का भीड़ लगा हुआ था, लोग सब देख रहा था चोरी हुआ है। इसी गांव का है आप? जी हाँ, मैं इसी गांव का हूँ। आपको कैसे जानकारी मिला कि यहाँ पे चोरी हुआ है? चोरी का तो हल्ला हुआ, माहौल बना कि हाँ स्कूल में चोरी हुआ है, तो जाने तो स्कूल आए हम। क्या अनुमान लग रहा है कि कुछ अनुमान है कि कहाँ का चोर होगा? यहाँ गांव का है, आसपास का, या फिर कहीं और का? अनुमान ये अनुमान तो नहीं है कि चोर कहाँ का है, लेकिन चोर कहीं का भी होगा तो मेरे गाँव का उसमें चोर शागिर्द होगा, जो चरस वरस सब पीता होता है लड़का सब, वो सब तो निश्चित होगा, उसी सब के माध्यम से बाहर के चोरों को यहाँ बुलाया गया होगा, तब चोरी हुआ होगा, अथवा ऐसे चोरी होने का यहाँ कोई आशंका नहीं है। हाँ, बहुत जगह हम लोग चोरी का मामला में जब पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि स्माइकर कुछ इतना ज्यादा स्माइकर हो गए हैं कि मतलब इस कदर नीचे गिर जाते हैं चोरी करने के लिए, लूटपाट स्कूलों में मतलब डाका डालते हैं, और जो वो लोग मतलब स्माइक पीते हैं काफी ज्यादा, वो गंदा नशा करते हैं, जिसके कारण जो है वो लोग स्कूल में और किसी के घर में बहुत सारा वाहनों को रोक के वो लोग जो है चोरी चपाटी करते हैं। क्या लग रहा है स्माइकर सब इन लोगों का भी कोई हाथ है क्या? एकदम स्माइकर हमारे गाँव में जो 2-4-5-10 युवक है जी, उनके बगैर ये चोरी नहीं हुआ होगा, ये मेरा मानना है और गांव वाले का भी मानना है, और इनके साथ बाहर के कोई और भेटल चोर भी होंगे जो बेलेरो वगैरह लगा के बेलेरो से चोरी किए हैं जी। कैसे बता सकते हैं बेलेरो से चोरी हुआ? टायर है, टायर का दाग है, टायर का कुछ, दाग है। हाँ, कुछ लड़का वगैरह रात में देखा भी है कि बेलेरो लगा हुआ था जी। हाँ, और तो बाहर का जो होगा उसके साथ में गाँव का तो होगा ही। मतलब अनुमान आपको ये लग रहा है कि कुछ लोग जो है स्माइकर आपके गांव के भी हैं, ठीक है, और कुछ बाहर के हैं, दोनों मिलके चोरी की? हाँ, होगा, ऐसा अनुमान है। हाँ, यही अनुमान है और यही सच होगा। चलिए, इनके द्वारा जो अनुमान लगाया गया है कि कुछ गांव के भी होंगे जो कि इस चोरी में मतलब उनका भी शामिला होगा, और सर कहाँ है उनसे भी बातचीत करते हैं। अनुमान क्या? चोरी हुआ है, चोरी हुआ है। हाँ। कितना का क्षतिग्रस्त हुआ होगा? वो सब हम लोग जोड़ रहे हैं अभी, तुरंत तो हम लोग अभी किया, कल जोड़ रहे हैं, उसको जोड़ जाड़ के देखते हैं, और हम लोग प्रशासन को सूचना देंगे जी। प्रशासन को सूचना दिए हुए थे यहाँ पे। हाँ, प्रशासन आए हुए। क्या बोले प्रशासन? बोले आवेदन आके दीजिए थाना में, आवेदन का कॉपी लेके आप अथी कीजिए, हम भी अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रशासन भी आ चुके हैं, और प्रशासन आए थे और छानबीन करके गए, अभी इन लोगों को बोला गया है कि आवेदन बना के दीजिए, उसके बाद जो होगा वो लोग अपना कार्य, जो उन लोगों का कर्तव्य है वो लोग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बाकी जय हिंद।